अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा इस प्रोग्राम में आपके लिए ऐसे मौजूआत चुन चुन कर लाते हैं जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी और आपकी रोज़मर्रा की आदत से होता है। आज का हमारा मौजू है शायरी और उसके समाज पर असरात, और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, सागर त्रिपाठी साहब मशहूर शायर हैं, बिल्डर हैं और उर्दू अदब के बड़े खादिम कहे जाते हैं। नाजरीन, हमारे साथ हैं मशहूर इस्लामी स्कॉलर जैद खालिद पटेल साहब। जैद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आपका इस्तकबाल है। इस सिलसिले की अगली कड़ी हमारे साथ हैं हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। आदाब हामिद साहब, आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब सीमाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी शायरी उनकी आदत व मिजाज में है, उनकी ज़िंदगी में है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में है। आइए मौजू पे बात करते हैं, शायरी और उसके समाज पर असरात। नाजरीन, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बहैसियत सदर मुस्लिम लीग अपने सदारती खुतबे में कहा कि मैं किसी शायर को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने आप को शायर नहीं मानता, इसलिए मैं किसी शायर को अपना दुश्मन नहीं मानता और किसी शायर से दुश्मनी नहीं रखता, मैं अपने आप को क्योंकि शायर नहीं मानता। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं इस कौम से कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं लोगों से करना चाहता हूँ, और उन बातों को कहने और करने के लिए जो मीडियम मैंने चुना है उसका नाम शायरी है। आइए, शायरी है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब से। सागर त्रिपाठी साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये शायरी है क्या चीज़, दूसरी अदबी सनफे जो हैं उनमें और शायरी में क्या फ़र्क? दरअसल मेरी ज़ाती निगाह में शायरी एक ऐसी बाशऊर अदबी काविश है जिसमें शायर अपने तस्वुरात, तखय्युलात को एक ऐसे नपे तुले अदबी पैकर में ढाल देता है कि चाहे वो सामीन हों या रीडर्स हों, उनके जहन पे तुरंत एक पुरअसर, एक ऐसी कैफियत उससे पैदा होती है कि भाई किसी ने कोई बड़ी बात कह दी है। मतलब अगर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो शायरी ऐसे ख्यालात के इजहार का नाम है जो ख्यालात लोगों के दिलो दिमाग तक तो होते हैं लेकिन उनकी ज़बान तक नहीं आ पाती। बेशक, आपने तजुर्बात और ख्यालात। हिंदी में एक मशहूर मकूला है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो अगर आपकी इस डेफिनेशन से इत्तफाक किया जाए तो फिर जहाँ तक रवि यानी सूरज नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक कवि पहुँच पा रहा है। ये कौन सी खासियत है? जनाब, इस कबील का जो दूसरा स्टैंजा है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन इसका जो दूसरा असरअंदाज पहलू वो ये है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कवितान जान। वाह, ये शायरी का बेसिक फार्मूला है कि जब तक आपकी कैफियत, नशूर वाहिदी साहब का मशहूर जमाना शेर है कि तखय्युल रक्स करता है, तजल्ली छाई रहती है, मैं शायर हूँ बड़ी रंगी मेरी तन्हाई रहती है। क्या तो जब ये कैफियत तारी होती है, दिल के तार बिल्कुल नपे तुले जिन्हें हम आप औजान कहते हैं, वो दरअसल शायरी के सरगम की तरह हैं। जब उस नपे तुले दायरे में उन रिवायात को निभाते हुए आप कोई ऐसी बात कह जाते हैं कि जो दूर तक, देर तक आपके जहन पे, दिमाग पे, रूह की तह तक पहुंचे, तब शायरी होती है। क्या अच्छी बात सागर त्रिपाठी साहब बता रहे हैं कि अगर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूं तो कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गज़ल आपको सुनाता हूं। हामिद भाई, शायरी आपकी निगाह में क्या है? दरअसल पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने एक मखसूस आहंग में तरतीब दिया है, और वो आहंग ही इंसान की फितरत में भी शामिल है। जैसे चांद सितारे गर्दिश कर रहे हैं, वो एक मखसूस आहंग में गर्दिश कर रहे हैं। हर सैयारा, हर सितारा, सबकी अपनी गर्दिश है। उसी तरह इंसान के मिजाज में भी खालिक़े कायनात ने एक मखसूस गर्दिश रखी है और एक मखसूस आहंग रखा है। क्या बात है अहमद साहब। मैं आपको बता दूं, आहंग तरतीब को कहते हैं, लगे बंधे दायरों को या लगे बंधे मेयार को। जिस तरह से चांद और सूरज, सितारे अपनी अपनी, हिंदी में कहूँ तो कक्षाओं में, अपनी अपनी उसमें दायरों में, अपने अपने मदारों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसे घूमने को यहाँ आहंग के तौर पे इस्तेमाल किया। अब ये है कि जो फितरी आहंग है, आप चीजें देखते हैं, एक आम शख्स भी देखता है, वो भी आकर डिस्क्राइब करता है, बयान करता है आपके सामने आकर कि मैंने आज ये मंजर देखा है। लेकिन एक शायर जो उस मंजर को देख कर उसे अपने कल्ब में, अपनी रूह में उतार लेता है और उस फितरी आहंग में लफ्जों को पिरोकर जब वो कागज पर लाता है तो वो शायरी होती। बड़ी अच्छी गुफ्तगू शुरू हुई है नाजरीन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस गुफ्तगू में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि मुझे अभी से मज़ा आना शुरू हो गया है। हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब ने कहा कि खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को एक मखसूस आहंग में पैदा किया, मखसूस तरतीब से पैदा किया, ठीक है, और उसकी ये सिफत इंसान में जब आई तो उसका नाम शायरी हो गई। जी तकरीबन, जी तकरीबन। तो नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं आपके अल्फाज को यूँ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे आप शायर होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर फनकारी जो है वो शायरी नहीं होती, लेकिन हर शायरी फनकारी ज़रूर है। जैद खालिद पटेल साहब, अभी हामिद इकबाल साहब ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को जिस तरतीब से तख्लीक किया वो तरतीब शायराना है। आप इत्तफ़ाक़ करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिही वसहबिही अजमईन, अम्मा बाद। हमारे दोनों शायरों की शायराना अंदाज़ को तो मैं यकीनन बीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सीधी सिंपल बात ज़रूर कह सकता हूँ। और जब ये बात के ताल्लुक से पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने मुझे कहा गया है तो मेरा तो ये नज़रिया है कि यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे सैयारे जो है, सारे प्लैनेट्स हैं, सूरज, चाँद, सितारे सब अपने एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ ऐसा मामला होता है कि शायरों का और शायरी का मामला ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल सही कहावत आई, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो बहुत सारे ऐसे शायर होते हैं जो हर वादी और हर तरह से भटकते फिरते हैं, उनकी शायरी वो उस दायरे के अंदर नहीं रह पाती। मैं कोई इल्ज़ामी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जो शायरी को इंजॉय करता है, जो शायरी को बहुत हाईली रिस्पेक्ट करता है, और मैं उस चीज़ को पुट डाउन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ और एक बात की तरफ थोड़ी सी निशानदेही करना चाहता हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यानी जो आपकी कलाकारी है उस कलाकारी को मैं पूरी तरह से ऑनर और सम्मान देते हुए मैं एक पर्सपेक्टिव ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये सारे सैयारों की लिमिट्स है उस तरह से शायरी की भी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन शायरी कई बार लिमिट से बाहर छलांग मार के आगे बढ़ जाती है, कई ऐसी चीज़ों में चले जाती है वहाँ जाना नहीं चाहिए, कई सारे अच्छे असरात भी छोड़ती है अच्छी शायरियाँ, लेकिन बहुत सारे खतरनाक असरात भी होते हैं शायरियों में। और ये चीज़ के ताल्लुक से एक अवेयरनेस और बात को ज़रा बाहर निकल के देखना, क्योंकि क्या होता है जब शायर शायरी में बहता है और जो यकीनन मतलब आप जब इस चीज़ को इस कदर इंजॉय करते हैं कि मैं आप लोगों के अंदाज में महसूस कर सकता हूँ, और बल्कि मैं समझ सकता हूँ कि नाजरीन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायरी से इस कदर कनेक्टेड रहे होंगे और रहते होंगे कि जो जब शायरी के बहाव के साथ जब आदमी बहता है तो अच्छे अच्छों के बारे में देखा गया है कि कई बार दिमाग को स्विच ऑफ भी कर देते हैं। जो भी आ जाए, चाहे दायरे के बाहर हो या चाहे वो कवि कहाँ कहाँ पहुंच गया, वो हर चीज निकल जाते हैं लोग शायरी के नाम में। तो मैं सिर्फ ये चीज को जरा एक लोगों को उभारना चाहता हूँ कि हमें वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को और जो अक्ल सलीम जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है, जो सोचने की क्षमता और कैपेसिटी दी है, वो कैपेसिटी को बंद नहीं करना चाहिए, चाहे शायरी ही क्यों ना चल रही हो, चाहे कोई गाना वो जो शायरी से इंस्पायर्ड हो, या चाहे इंसान कोई चीज़ सुनता है उसे एंजॉय करता है, लेकिन उसके साथ साथ में हकीकत से ताल्लुक नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक बात है जो मैं रखना चाहता हूं, बाकी और बहुत कुछ है जो शेयर करना चाहूंगा। तफसीली टॉपिक है, और मैं जानना ज़ैद भाई आपसे ये चाहता हूँ कि शायरी के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है, किस खाने में रखता है शायरी के ताल्लुक से। आप ये देखें कि जैसे आज के ज़माने की सबसे असरदार मीडिया अगर हम देखेंगे कि वो जर्नलिस्ट, वो सारे एंकर्स, वो सारे लोग जो लोगों के जहनो दिमाग को कंट्रोल करते हैं आज के ज़माने में, हम देखते हैं कि टेलीविजन चैनल्स में जो बातें कही जाती है वो लोगों के जहनो दिमाग पर इतना ज़ोरदार असर छोड़ती है कि जैसे लोग समझते हैं हकीकत तो यही है, उसके आगे कोई हकीकत नहीं है। एक ज़माने की टॉप मीडिया शायरी थी, एक ज़माना था, आज भी बहुत लोग इंजॉय भले ही करते हैं, लेकिन आज के ज़माने की नंबर 1 मीडिया शायरी नहीं है। अभी अप्रैल 2015 की बात है, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल कैरी किया था जिसके अंदर एक सर्वे था कि कितने लोग पोइट्री को सर्च कर रहे हैं आजकल नेट पर, और कितने लोग ये क्लेम करते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट से, अमेरिकन इंस्टीट्यूट की सर्वे थी कि पिछले 1 साल में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई तरह की पोइट्री पढ़ी। आज अगर हम देखें तो उसमें वो ये बताते हैं कि 1992 में जहां 16% लोगों ने हाँ कहा था कि हमने साल में एक बार तो पढ़ी है, और 2015 में आते आते अभी तकरीबन 6% लोग कह रहे हैं कि हमने साल में एक बार पढ़ी है। तो ये तो ऑब्वियसली एक डिक्लाइन पर है, एक जरा बस थोड़े लोग, कुछ लोग किसी तरह से एंजॉय कर लेते हैं, हाँ फॉर्म्स वगैरह चेंज होते हैं, लेकिन एक जमाना था ये बहुत असरदार मीडिया थी। कुरान की 114 सुरों में से सुरा नंबर 26 है जिसका नाम है सुरे शुअरा। शुअरा का मतलब है पोएट्स। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या कहा है? सुरे शुअरा जब हम खोलते हैं सूरा नंबर 26 उसकी आखिर की आयतें, लास्ट 3 आयतें देखते हैं तो अल्लाह ताला ने शुअरा के बारे में कहा है, पोएट्स के बारे में। और जो कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया वशुअरा यत्तबिहुमुल गावून, और ये जो शुअरा है, पोएट्स हैं, इनके पीछे भटके हुए लोग चलते हैं। अलम तरो अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहिमून, क्या तुम देखते नहीं कैसे हर वादी में ये भटकते फिरते हैं, और वो लोग वो चीज कहते हैं जो खुद करते नहीं है, कहते वो चीज हैं जो करते नहीं है। 3 नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए। पहली बात ये आई है कि भटके हुए लोग इनके पीछे चलते हैं। नंबर 2 हर वादी में भटकते फिरते हैं ये। नंबर 3 ऐसी बातें कहते हैं जो खुद करते नहीं है। ये शुअरा की आम बात है। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए, वो अमिलुस सालिहात, और नेक काम किए, जो ईमान लाते हैं, ईमान की हालत में होते हैं और अच्छे काम करते हैं। वज़कुरुल्लाह कसीरा, बहुत कसरत से अल्लाह को याद करते हैं। मतलब जिनके अंदर ये मामला नहीं कि अल्लाह को भूल कर शायरी करेंगे, वो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब उन पर जुल्म किया जाए तो उसमें उसके बाद डिफेंड करते हैं। ये 4 खूबियां बताई अल्लाह ताला ने ऐसे अच्छे शायरों की। तो पता चला अच्छे शायर भी होते हैं लेकिन उन्हें एक्सेप्शन के तौर पर बताया गया है। तो हम ये देखते हैं कि 4 क्वालिटीज उनकी बताई गई है। उसमें जो चौथी क्वालिटी है उसमें एक इशारा है, वन तसरू मिन बादि मा जुलिमू। ये वो लोग होते हैं जो अच्छे लोगों की खूबी है कि इसके बाद के जुल्म किया जाए वो मदद करते हैं। मतलब यहाँ क्या मामला है, हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुना, जिस तरह से सारे अंबिया को चुना था, सारे रसूलों को चुना था। पहले रसूल नहीं थे, इंसानों को सही रास्ता बताने, मार्गदर्शन करने, सही रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को चुना, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। अब मक्का के जो मुशरिक थे उन्होंने उन पर अटैक करने के लिए अपने शायरों को यूज किया, उनका मजाक उड़ाकर, उनकी नबूवत का मजाक उड़ाकर, उनकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाकर, उनके मैसेज को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, कम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कलाम अल्लाह को भी शायरी कहने लगे थे। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो कहा वन तसरु मिन बादि मा जुलिमू, ये जुल्म जो किया जा रहा है उसके बाद वो लोग जो मदद करते हैं, तो यहाँ पे इस चीज में मदद में आने का एक इशारा था। हम देखते हैं कि यह आयत तो मक्का में नाजिल हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु से कहा, उनकी शायरी का जवाब दो, फिटिंग रिप्लाइज दो, जिब्रील तुम्हारे साथ है, सही बुखारी की हदीस है। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत अच्छा शायर जो एक सही बात, सच्ची बात डिफेंड करने के लिए जब खड़ा होता है तो उसका यहाँ तक का मामला हो सकता है कि जिब्रील उसके साथ है। और मुस्नद अहमद की सही हदीस है जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आप उनकी बातों का जवाब दे रहे थे हसन बिन साबित के बारे में, तो ऐसा था जैसे कि उन्हें तीर लग रहे हैं, वैसे उन्हें तीर लग रहे थे। यानी कि वो जो गलत अटैक था उसका जवाब था। तो हम ये देखते हैं कि ये शायरी अच्छी शायरी का मामला है, और गलत हो जाए शायरी तो इंसान को नहीं, समाज को नहीं, दुनिया में बर्बादी फैलाने वाले जरियों में से, डिल्यूजन फैलाने वाले जरियों में से एक बहुत बड़ा जरिया शायरी भी है। बेशक नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जमाने जहालियत में, प्री इस्लामिक एरा में आमतौर पे शायरों को बड़ा उरूज हासिल था, और जो अच्छा शेर या अच्छा कता या अच्छी लाइनें होती थी उन्हें लिखकर खाना काबा पे टांग दिया जाता था, तब तक के लिए जब तक कि उससे अच्छा कोई दूसरा फन पारा नहीं आ जाता था। और जाहिर सी बात है कि वो जहलियत से भरी चीज़ें होती थी। बहरहाल जैद खालिद पटेल साहब की बात को अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो यूँ है, शायरी ख्याल का नाम है और ख्याल अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अच्छे ख्याल का आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, लेकिन मैं आपकी बात काटना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जी, इससे शायरी की अहमियत तो बहरहाल और बढ़ गई है, बढ़ गई। मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक मिनट। शायरी ख्याल का नाम है और ख्याल अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, और अच्छे ख्याल का अल्लाह और अल्लाह के रसूल हामी हैं और बुरे ख्याल के मुखालिफ हैं, खिलाफ रखते हैं और इनकार फरमाते हैं कि ना किया जाए। आपने मेरी एक मुश्किल हल की, बहुत ये हदीस सुना के रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को फरमाया कि तुम इनकी शायरी का जवाब शायरी में दो। मैं अपना सवाल आप तक लाने से पहले सागर त्रिपाठी साहब के पास आऊँगा और हामिद इकबाल साहब के पास आऊँगा समझाने के लिए कि मैं सवाल क्या पूछना चाहता हूँ। सागर साहब, ये बताइए शायरी के हवाले से कि शायरी में जब हम गज़ल एक सनफ़ है वो कहते हैं तो उसमें मतला जो होता है वो क्या होता है, कैसे कहा जाता है, उसकी खुसूसियात क्या है, उसके लवाजमात क्या हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या है, ज़रा ये बताइए नाजरीन को भी, जैद भाई को भी, फिर मैं आऊँगा अपने सवाल पर। देखिए क्या क्या होता है उसके अंदर। गज़ल एक ऐसी नाजुक सिन्फ है, बुनियादी तौर पर एक शेर होता उसमें 2 मिसरे होते हैं। काफिया, रदीफ, वज़न, मीटर, बहर, रुकन, अरकान, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं शायरी की। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम इसमें तसव्वुफ़, तग़ज़्ज़ुल। मैं अभी मफ़हूम पे नहीं जा रहा बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ मैं पैरामीटर और मीटर्स की बात कर रहा हूँ। एक मतले को मतला होने के लिए गज़ल का पहला शेर जो होता है, मतले को मतला होने के लिए उसमें किन किन अज्जा का होना जरूरी है? सबसे अहम चीज ये होती है कि जब गजल का मतला आप कहने बैठते हैं तो आपको एक खालिस झनकती हुई रदीफ ढूंढनी पड़ेगी। एक रदीफ हो गई, उस रदीफ के साथ साथ उतना ही पुरअसर आपको काफिया ढूंढना पड़ेगा। जब रदीफ और काफिया आपके पास होते हैं तो शायरी का सफर आपका शुरू होता है। अब किसी पुरअसर अच्छे ख्याल को जब आप लफ्जों का पैकर पहनाते हैं तो उसमें आपका ऊला मिसरा होता है। मसलन कोई मतलब जैसे कहाँ दबकर झिझक कर बोलता है। अब इसमें झिझक कर जो है ये हमने एक काफिया चुना, झिझक कर काफिया हो गया, बोलता और बोलता है रदीफ हुई। अब हमें तलाश ये है कि कहाँ दबकर झिझक कर बोलता है, तो इस मिसरे के साथ मंसूब होने वाला कोई ऐसा जो दावा आपने दिया है इसकी दलील के तौर पर सानी मिसरे में कोई ऐसी चीज लाएं जो आपके ऊले मिसरे को जस्टिफाई करे और साथ साथ एक ऐसा बामानी संदेश दे जो मफहूम पे आ रहे हैं। उसके बाद में आऊंगा जी, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात। अच्छा, तो उसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, काफिया रदीफ जब आप दूसरे मिसरे में भी चाहिए, तो दूसरे मिसरे में भी काफिया रदीफ के तुरंत पहले काफिया होना जरूरी है। मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, सबसे आसान जो सबको याद है, सबने सुना है और समझा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इसमें हिंदोस्तान और गुलसितां जो है वो काफिया हो गए और हमारा जो रदीफ हो गई। हामिद इकबाल साहब, इसी हवाले से बात करूंगा कि बगैर रदीफ की भी गजल होती है। हाँ, गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। क्या होता है? रदीफ ना हो, सिर्फ कवाफी हो, ऐसी गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। मतलब मसलन रिवायतों के सिलसिले ये तजर्बों की रोशनी, रिवायतों के सिलसिले ये तजर्बों की रोशनी, नए निराले रास्तों गुजर रही है शायरी, किसी की याद भी नहीं किसी का इंतजार क्या, ये नींद क्यों उचाट है वो ख्वाब दीद क्या हुई। अब पहले मिसरे में रिवायतों के सिलसिले ये तजर्बों की रोशनी, नए निराले रास्तों गुजर रही है शायरी, रोशनी, शायरी, जिंदगी, काफी है, इसमें कोई रदीफ नहीं। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ जैद भाई, रोशनी, सादगी, और अभी मतलब उन्होंने सुनाया, इन्होंने सुनाया, एक मतलब मैं आपको सुनाता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, क्या ये मतलब नहीं है? अल्लाह का कलाम है कुरान, और इंसानों के साथ अल्लाह ने रहम का मामला किया कि इंसानों को एक ऐसा पैगाम दिया जिससे वो समझ सकें। और कोई भी इंसान, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, किसी भी जमाने में क्यों ना हो, किसी भी टेक्नोलॉजी का दौर में क्यों ना हो, वो अगर कुरान पढ़कर समझने की कोशिश करेगा तो एक ऐसा पैगाम है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, लौ अंजलना हादल कुरान अला जबल, अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाता, ल राइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, पूरा के पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के डर से। तो ये एक ऐसा कलाम है, कुरान की सूरह हश्र की आयत है, सूरह 59 आयत नंबर 21, तो जिसमें अल्लाह ताला ने इसके पावर को बयान किया है। यकीनन इंसानों के दिलों को भी होता है, हर जमाने में होता है, और बल्कि हम सारे बैकग्राउंड के तमाम लोगों को ये कहते हैं कि जिंदगी में उन्हें चाहिए कि इस किताब को जरूर पढ़ें, और इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है, जो सारे इंसानों को हिलाकर सही रास्ते पे लाने वाला मैसेज है, जो सारे अंबिया का दिया हुआ मैसेज था, उसी चीज का फाइनल लास्ट पैगाम है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए भेजा है, तो वो पढ़ने की जरूर वो कोशिश करें अपनी जिंदगी में वक्त निकाल कर। नाजरीन, प्रोग्राम का पहला सेशन मैं चाहता था कि आपको शायरी के हवाले से समझ आ जाए कि शायरी है क्या, किस तरह से की जाती है, और शायरी के मुतालिक इस्लाम का नज़रिया क्या है। आइए हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि शायरी का हमारे समाज पे असर। हामिद इकबाल साहब, सीधा आपसे सवाल, शायरी आज के ज़माने में, आज के समाज पर क्या असर रखती है, किस तरह असरअंदाज होती है? जैद साहब ने जैसा कहा कि आप की बात कर रहा हूँ, नाजरीन को बता दूँ, हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब मशहूर स्कॉलर हैं और छोटे छोटे बच्चों और दरमियानी उम्र के बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें एजुकेशन की तरफ, शायरी की तरफ और कामयाबी की तरफ लेके चलना इनकी ज़िंदगी का मकसद है। आइए उनसे जानते हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैद साहब ने जैसा कहा कि शायरी का वो इम्पैक्ट समाज पर आज नहीं रह गया है जैसा पहले कभी हुआ करता था। ऐसा नहीं है, असल में शायरी हर दौर में जिंदा रहेगी जब तक इस कायनात में आहंग मौजूद है, और शायरी का इम्पैक्ट हर दौर में रहेगा। वो उसके रूप आकार बदलते जाएंगे, उसकी शक्लें तब्दील होती जाती हैं, प्रेजेंटेशन बदलेगा। आज हमारी नई जनरेशन, हमारी नई नस्ल व्हाट्सएप की या SMS की या फेसबुक पर जो शायरी आप पढ़ते हैं वो शायरी है, बहरहाल उसके तरीके, हाँ, उसका मेयार, आप उसको मेयार भी नहीं कह सकते, उसका वतीरा, उसका सलीका, उसका मिजाज तब्दील हुआ है। लेकिन बहरहाल शायरी की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते, शायरी हर दौर में जिंदा थी। अब आपने सवाल किया समाज पर असरात का, समाज पर असरात, फिर मैं मोहतरम की बात से ही आगे बढ़ाऊंगा अपनी बात को कि एक जमाना था कि जब एंटरटेनमेंट के इतने सारा मीडिया नहीं था, एक आध मीडियम था, उसमें शायरी सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम कहलाता था। तो वो दौर था जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ने पूरा इनकलाब ले आया, पूरी तब्दीलियां ले आई। वो एक शेर से जो है वो आज़ादी की जंग में मदद मिल गई। या फिर उसके बाद आज़ादी के बाद, हमारे मुल्क के आज़ादी के बाद तरक्की पसंदों ने शायरी जब शुरू की तो मजदूरों का जो मसला, रेवोल्यूशन आया बकायदा, वो एक तहरीक बनकर, और वो जो इनकलाब आया, मजदूरों का इनकलाब आया, उसमें हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स ने, तरक्की पसंद राइटर्स ने, शायरों ने जो कुछ लिखा, तो मुझे बहुत धुंधला सा याद है, बहुत बचपन की बातें याद हैं कि मैंने कहीं किसी अखबार में या कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, जो भी है, कि साहिर लुधियानवी ने अपनी नज्म पेश की थी और मजमा उलट गया और वहां से, मैदान से निकलकर लोग जो है, मजदूर जो है वो बिल्कुल इनकलाबी सूरत में उभर कर चले आए। अब ऐसा जमाना नहीं है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ जी, मुझे अचानक याद आया साल मजाज का एक मिसरा कि वो तेरे सर पर ये आंचल खूब है, बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। लेकिन मैं और उसी दौर पर फिर आ जाऊँ आपको लेकर, कि एक दौर था कि एक नगमा मशहूर हुआ था मुगल आजम का कि प्यार किया तो डरना क्या, और उसके रद्द अमल के तौर पर बहुत सारी लड़कियों ने अपने घर से फरार इख्तियार किया था। और हमने पढ़ा है कहीं पर कि लोगों ने एहतजाज किया कि इस गाने पर पाबंदी आयद की जाए, ये समाज को खराब कर रही है। लेकिन वो दौर था कि लोग किसी की सुनते थे। आज आप एक टेलीविजन पर एक ऐड देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो कान पर हेडफोन लगाए हुए और पीछे से जो है आवाज आती है कि अब सिर्फ अपनी सुनो। तो वो उस दौर में अब सिर्फ अपनी सुनो, तो आज किसी शायर की कोई क्यों सुनेगा? आज तो बड़े से बड़े मुफक्किर और दानिश्वर की नहीं सुनी जाती है। मैं आपके पास हामिद भाई वापस आऊँगा, सागर त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूँ। अभी हामिद इकबाल साहब ने कहा कि एक फिल्म आई मुगल आजम, उसमें गाना था जब प्यार किया तो डरना क्या, और इस गाने का इतना असर हुआ कि नौजवानों पे, लड़के लड़कियों पे, वो घर से भागने लगे और एक आवाज़ उठी कि इस गाने को बैन कर दिया जाए। तो ये असर शायरी का था या फिल्म का था या म्यूज़िक का था? तीन बातें अहम। देखिए, अगर आपको याद हो, एक गाना है कि आवन कह गए अजहू न आए, लीनी न मोरी खबरिया, मुझे भूल गए सावरिया। ये लता दीदी बहुत बड़ी गायिका हैं। ये कमाल किसी संगीत या गीत का नहीं था, ये इस धुन का था। जैसे राग दीपक हैं, दीपक जल जाते थे। हम आपको एक बहुत आसपास का एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए, आराधना एक फिल्म आई थी जी जी जी, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, मौसम बेकरार है, तुमको मुझसे प्यार है। तो हीरोइन का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो ये कहता है नाना ना 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 ना, जबकि वो कहना क्या चाहती है, हाँ हाँ हाँ। गजल जो है ये किनारे की भाषा इस्तेमाल करती है, इशारों की ज़बान है। क्या आपने मुझे याद दिला दिया, ताज़ा कलाम कर रहा हूँ मैं आपका, आप ही की बात को आगे बढ़ाने के लिए, कि मैं हुस्न की फितरत ही से वाकिफ न था वरना, क्या बात है, शेर सुनिए, मैं उस्ताद का शेर है किसी, मैं हुस्न की फितरत ही से वाकिफ न था वरना अज़बात का पहलू भी था तकरार नफी में। क्या बात है, ख़य्याम बिजनौरी साहब का शेर। और मैं मशकूर ममनून हूँ जैद पटेल साहब का, क्योंकि इनका जो संजीदा मुताला मुकद्दस कुरान शरीफ से है, हम लोग बहुत छोटे तिफले मकतब हैं, उसके बारे में न उसका कोई तर्जुमा हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी बात को वहीं उसका जवाब भी खुद ही दे दिया है। ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा शायर हो। हमारे गांव का एक दहकानी वाकया है, एक बच्चा आकर के बैठा हुआ है, वालिद मोहतरम उससे कहते हैं कि बेटे ऊपर और नीचे की रोटी नहीं खानी चाहिए। तो बच्चे ने कहा ऐसा क्यों? वालिद ने कहा कि ऊपर की रोटी सूख जाती है, नीचे की रोटी भीग जाती है। तो बच्चे ने कहा जिसके घर में दो ही रोटी हो तब? तो जवाब ये आया कि मैं इतने गए गुजरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक घर की बात कर रहा हूँ। इशारे की जबान है ये शायरी। हम उन लोगों की बात नहीं कह रहे हैं जो मुशायरे में वाहवाही लूटने के लिए इख्तिलाफ, रंजिश, तनकीद, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी आपकी इससे पहले के बात आगे नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई मोहतरम, मुझे कहने दें। आपने खुद एक बात कही है कि अच्छा शायर होना, तो हम अच्छी शायरी अपने आप में, गजल एक ऐसी नायाब सिंफ है जो अपने बूते पे बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता एक ऐसी सिंफ है जिसमें हम इन चीज, देखिए आप विषय से, सब्जेक्ट से जरा सा हट रहे हैं। नहीं, अच्छा बुरा कौन तय करेगा सागर त्रिपाठी? मैं वो यही आपसे कह रहा हूँ। हाँ। इसका भी जवाब है, कितने अलामा सीमाब हुए हैं पिछले 200 सालों में, कितने अलामा इकबाल हुए हैं। दौरे हाजिर में ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, लगभग 67,000 रजिस्टर्ड शायर हिंदुस्तान में है। आज भी आप क्यों सिर्फ फिराक, डॉक्टर बशीर बद्र या वसीम बरेलवी पे या शहरयार खान पे, मोहम्मद अलवी पे जाके आपकी बात रुक जाती है। मैं अर्ज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक इकबाल, एक गालिब या एक फिराक या एक सीमाब साहब होकर गुजर गए। वाकया यह है कि एक इकबाल, एक सीमाब, एक गालिब और एक मीर को एक्सपोजर मिल गया, एक्सपोजर मिल गया। यहाँ जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, कम से कम मैंने पढ़ा है बहुत सारे शोरा कराम को, ऐसे को शोरा कराम को सुना और पढ़ा है। मसलन एक मुंशी विलायत हुसैन साहब नाम के एक शायर गुजरे, उनका शेर है कि बेकरारी मेरी देखी है मेरा ज़ब्त भी देख, बेकरारी मेरी देखी है मेरा ज़ब्त भी देख, इतना खामोश रहूँ कि तू चिल्ला उठ। क्या बात। या उन्हीं का शेर है कि शायद कोई अरमान जला शोरिश दिल से, निकला था अभी साथ में आहों के धुआं भी। तो ये एक्सपोजर की बात है। लेकिन दानिश साहब, एक्सपोजर के अलावा भी कोई चीज है? नहीं, कोई चीज है, कोई चीज है। मैं थोड़ा सा आपका एक आधा मिनट लेना चाहूंगा। बल्कि मैं आपके बाजार में तमाम शौरा के शेरी मजमुए आपको बुक स्टॉल्स पर मिल जाएंगे। मैंने 3 किताब मेले मुंबई में उसका ऑर्गेनाइजर रहा हूँ मैं, बड़े किताब मेलों का, कि जिसमें 65-65 लाख रुपए की किताबें बिकी हैं। और मैंने तजिया किया कि आज भी दीवाने गालिब, कुल्लियाते इकबाल जितनी बड़ी तादाद में फरोख्त होता है, माफ़ कीजिएगा, आपके अहद के सबसे बड़े जितने भी शायर हैं जिनके पीछे हज़ारों का मजमा जो है उनका कलाम सुनने के लिए जमा होता है, उनकी किताबें नहीं बिकती है। आपसे डिफर करता हूँ, ब्रांड बिक रहा है। गालिब एक ब्रांड है आज, इकबाल एक ब्रांड है आज, ब्रांड बिक रहा है। नहीं ऐसा ठीक है, तो फिर आप परवीन शाकिर, बशीर बद्र और निदा फाजली के ताल्लुक से क्या कहेंगे? के ताल्लुक से मैं एक बात कहूँ, जो आपने एक टॉपिक बिल्कुल ओपन अप किया, और मैं आऊंगा आपके पास इस टॉपिक पर, क्योंकि आपने इस जो चीज को ओपन अप किया कि भाई अच्छा शायर, अब अच्छाई और बुराई जो है ना सोसाइटी में कई बार रिलेटिव होती है। बहुत सारे लोग जो एक चीज को कह देते हैं ये अच्छा है, तो वो लोग अच्छा समझ बैठते हैं। जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं कि वो जमाने की जो शुरुआत थी, जो आपने जिक्र की आपने कि भाई वो फिल्म के गाने से बात जो शुरू हुई थी। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ आपकी बात की वकालत के लिए। अच्छाई और बुराई के हवाले से मैं 50 शेर ऐसे अभी पेश कर सकता हूँ जो वाकयातन मफहूम के एतबार से बहुत बुरे हैं लेकिन बहुत मशहूर है। लाइक मैं मिसाल दूँ आपको कि गालिब के शेर पे आ जाइए, जी खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। या आप आ जाइए, जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी है तो गुनाहगार हूं मैं। ये मशहूर जमाना शेर है और बड़े शोरा इकराम के शेर हैं। इन्हें अच्छा कैसे मान लिया, क्यों मान लिया? यहाँ पर मामला साहब एक मुझे बताइए, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने एक शेर कहा है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़ा का परेशान होना। आप इसमें तनकीद का पहलू ढूंढिए, आप बताइए ये हदीस से कहाँ डिफर करता है? एक मिनट पहले मैं बता दूं आपको। देखिए आप हमारे हमस रहे हैं, हम एक दूसरे के राज नहीं खोल सकते, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग इतने सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स एक साथ में ओपन अप हो गए कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर कुफरिया यानी ऊपर वाले ने जो बात कही उसको रिजेक्शन वाले, शिर्क और कुफर वाले वर्ड्स आ जाते हैं, और शायरी के बहाव में जब आदमी बहता है तो वो पर्सनैलिटी का दबदबा और जो उसकी ब्रांड पर्सनैलिटी, और ऐसा होता है कि उन्हें तनकीद के ऊपर लोग समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे ये एक्चुअल वर्ड्स ये है, जो बात है वो क्या है, वो सही बात है गलत बात है। उसी तरह अब जो ये मिसाल के तौर पर जिंदगी क्या है ये जो क्या है, ये जो शेर है सिर्फ टेक्निकली बता रहा है जिंदगी क्या है, ये एथियस्टिक व्यू पेश कर रहा है। इसमें यहाँ ये बात नहीं कही जा रही है कि एक बनाने वाला है जिसने हमारे जिस्म के अंदर जान डाली है, वो जान है तो हम जिंदा है, और जिसने हमें बनाया है वो एक दिन हमारी जान ले लेगा और ये जिस्म में से हमारी रूह चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गन्स थे वो सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, फिर भी एक इंसान नहीं जी रहा है, तो कोई एक चीज है जिसकी वजह से वो एक जिंदा रहता है, तो वो एक पर्सपेक्टिव मिसिंग है। अब यहाँ उसी तरह आप देखिए कि जो सारे जो फिल्मों के मामला तो फिल्मों के गाने, अब इसके अंदर माशरे के अंदर और माशरे के अंदर एक ऐसी तरह की चीज आई कि इसके इतने ड्रास्टिकली खराब कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। पहले तो हमारा संबंध क्रिएटर से, एक इंसान का संबंध रिलेशन उसके मालिक से, उसके अंदर खराबी आ जाती है जब इस तरह की बातों को लोग इनडायरेक्टली समझने लगते हैं। लेकिन हमारी फैमिलीज के अंदर खराबी कहाँ आ गई, जहाँ पे ये एक तरह का एक लव कल्चर पैदा हो गया। देखिए मैं ये बात जब कह रहा हूँ ना लव की, तो हम लोग कोई लव के खिलाफ नहीं है, प्यार और मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं तो वो उस खिलवाड़ के खिलाफ है जो आज शायरी बहुत ज्यादा उभारती है और बहुत जमाने से उभारती आई है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मामला है और जो लव का एक कंसेप्ट पैदा हुआ, पहले तो एक बात बताई गई कि भाई मैं तुम्हारे लिए जीने मरने तैयार हूँ, इस तरह के मफहूम वाले जो शेर और शायरी और गाने वगैरह जो लोगों में आम और जुबान तक जो लोग पहुंच गए, तो यहाँ सही बात है कि जीना मरना होना चाहिए ऊपर वाले के लिए, किसी की बीवी के लिए वो जी रहा है या जिससे वो मोहब्बत कर रहा है उसके लिए जीना और मरना, जीना मरना तो ऊपर वाले के लिए होना चाहिए। साहब आपने शायद ध्यान से शेर को सुना नहीं, मैं एक इसका दूसरा शेर आपको सुना देता हूँ जो हिंदी में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। उर्दू लिटरेचर में वो 4 अनासिर हैं, हिंदू माइथोलॉजी में 5 अनासिर हैं। शायर सिर्फ इतना कह रहा है कि ये परवरदिगार के यहाँ से आए हुए ये जो 4 अनासिर हैं, ये अज्जा जो हैं, जब तक एक खास उसका दिया हुआ एक प्रपोर्शन है जिसमें ये हैं तब तक तो ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर शायर दूसरे शायर का भेद खुलेगा, भेद नहीं, ईमानदारी से इंटरप्रिटेशन जरूरी है। निजान पर शायरी, देखिए शायरी का मर्तबा, मुझे इजाजत हो जी जा रहे। अच्छा एक बात वादे कर दूं कि मैं यहाँ इंफरादी तौर पर बात कर रहा हूँ, सुने, और कोई मजहबी निजान का मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं, बल्कि इंफरादी तौर पे इस शेर के हवाले से मैं बहुत बेचैन हूँ। कुछ कहना चाहिए उसका कारण, मैं बहुत बेचैन हूँ आपकी दुखती रग को छुआ। नहीं, थोड़ा सा धीरज रखिए, मुझे बताने। इसमें अहम बात अनासिर है ही नहीं, इसमें अहम है जहूर तरतीब, जिसने हुक्म अल्लाह की जगह ले ली। मैं आप उसका नहीं, उसका सबूत दूंगा सर, इसका सबूत दूंगा, शायर खुद सागर भाई सबूत दूंगा। आप ये जो 4 अनासिर हैं कहीं से इन्हें लेके आइए, खूबसूरत नौजवान लड़के का एक दिल निकाल के लाइए, सब कुछ सारे अनासिर ले आइए और उन्हें जहूर तरतीब से रखिए, क्या जिंदगी आ जाएगी। जहूर तरतीब इंसान रख ही नहीं सकता, रख सकता है। नूर अमरुल्लाह है। अच्छा, मेरा हर मजहब के हिसाब से जहूर तरतीब और मेरा एक दोहा है। ये तो आप एक मिनट बात पूरी करूं। ये शेर तो इमामत करता है उन लोगों की जो ये मानते हैं कि दुनिया में कायनात में जो कुछ होता है खुद ब खुद होता है, जहूर तरतीब से होता है। यानी अगर दूध को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए रात भर के लिए तो जम के दही हो जाता है। ये उन लोगों की इमामत है, ये ज़हूर तरतीब नहीं है, ज़हूर तरतीब है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, गीता एक बड़ी मुकद्दस किताब है। मैंने एक दोहा कहा कि गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान, क्योंकि इनकी तरतीब के वक्त ये दोनों चीजें उसमें मेंशन की गई हैं, इनका जिक्र है। हिंदू मुस्लिम साथ लें दो जहान का ज्ञान, एक जमीन के अब बहुत बड़ा, लेकिन आप उससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। आप उससे आगे की बात कर रहे हैं, नूर को नहीं। लेकिन मैंने तो शुरू में ही ये बात कही थी, एक फितरी आम जो है अल्लाह ताला ने इस कायनात में, और सुनिए देखिए यहाँ सबसे बुनियादी बात दानिश साहब, जब शायर ये पहले ही तस्लीम कर लेता है कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन, गजल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। अपनी सारी खामियों को आपके सामने शायर रख रहा है, आप इसे समझने की कोशिश करें। ये खामी नहीं है सागर भाई, ये ख्याल है, ख्याल है जो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। हाँ, ये ख्याल है। आपने एक जगह एक चीज मान ली है, एक जज के अपॉइंटमेंट में एक जुमला लिखा गया था, सुन लें, आपका ख्याल मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मेरा ख्याल आपके लिए बुरा हो सकता है। ये ख्याल है जिसे बहुत खूबसूरती से शायर दानिश भाई, एक हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में एक उस कमेटी का एक रिकमेंडेशन था कि वकील तो हम नहीं जानते लेकिन एज ए जज ये शायद अच्छे होंगे, अनकरप्टेबल, नॉन करप्टेबल पर्सन है, और इस पे उनका अपॉइंटमेंट हो गया। हम जो बात आपसे कह रहे हैं इसकी बुनियाद में जाइए। हम सिर्फ इतना आपसे बताना चाहेंगे कि शायरी एक ऐसी सिन्फ है जिसमें आप हर किस्म के तसव्वुरात को शायर जब पेश कर देता है तो उसका हक जब तक उसकी बयाज में है तब तक तो उसकी बात है। मैं एक सादा सा शेर आपको सुना रहा हूं कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत। आप इसे बताएं, सुनिए बहुत अहम बात है। जैद साहब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, इस शेर को एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लें। जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूँ तो वो भी लौट आती। इसमें तनकीद का, किसी शायर या शायरी के बुरे होने का इसमें क्या पहलू है? हाँ, देखिए आपने मेरी बात से ये समझा कि हम ये कह रहे हैं कि हर चीज में कहीं ना कहीं तनकीद का पहलू है ही है या होना ही चाहिए, तो वो कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात यह है कि जैसे शायरी आजाद होकर हर चीज में हर बहाव में बह जाती है और ये बहुत इम्कानात पॉसिबिलिटीज रहते हैं इस चीज के, तो ये चीज का एक बहुत बड़ा खतरनाक नतीजा समाज और माशरे के लिए हो सकता है जो होता है। और जैसे एक मिसाल जो ये लव के ताल्लुक से या बेहयाई जो फैली या जो ऑब्सीनिटी फैली या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सारी जो बुराइयां जो माशरे में आज आम होती जा रही है उसमें कहीं शायरी का भी रोल है। आज की शायरी में रोमांटिसिज्म जिसको आप सो कॉल्ड रोमांटिसिज्म कह रहे हैं हाँ। वो तो 10% भी नहीं रह गया। आज की शायरी का मौजूद मैं मेरा शेर सुनाता हूँ साहब के मायूसी जेबों में भरकर लौट आना तकदीर मगर। क्या बात है। मायूसी जेबों में भरकर लौट आना तकदीर मगर मुट्ठी भर उम्मीदें लेकर घर से रोज निकलते हैं। बताइए समाज की कहाँ बुराई है। एक और शेर में सफर में जिंदगी के हम कभी तना नहीं होते जी। हजारों ख्वाहिशें हमराह चलती हैं जिधर जाएं। तो आज की शायरी में 10% भी वो फहाशी वो उरियानियत जिसको और दूसरे मीडियम्स में दिखाया जा रहा है शायरी में तो बिल्कुल नहीं। शायरी में नहीं है, मतलब में नहीं है। मैं एक बात करूं हाँ मुशायरों के स्टेज में जो कहे जाते हैं। सागर भाई मैं एक बात करूं, हामिद भाई दोनों से मेरा सवाल है, गजल की सबसे पुरानी और सबसे पायदार डेफिनेशन क्या है? औरतों से बात करना, अपने महबूब से बात करना। कैसे फहाशी नहीं है? उसका जवाब मुझसे लीजिए, मुझसे लीजिए। महबूब है कौन? महबूब औरत। ये किसने कहा? कहाँ लिखा हुआ? कहीं। सुनिए, मीर उन्नीमबाज आंखों की मैं सारी मस्ती शराब की सी है। मुझसे उसका जवाब सुन लीजिए ना कि मैं बहनोई राम मोर सारा, मैं बहनोई हूँ राम मेरा साला है। ये आपका ख्याल था जो नहीं समझ आपका नहीं। सुने कबीर दास जी ने कहा था कि मैं बहनोई राम मोर सारा, लोग समझ नहीं पाए। आम आदमी ये समझता था कि गाली गलोच की भाषा में कबीरदास बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी तशरीह की गई तो ये पता चला कि मैं बहनोई बहने वाला यायावर हूँ और राम ही तो मेरे सब कुछ है, खुदा ही मेरा सब कुछ है। उनके लिए तो सब बराबर था। शायरी की जुबान का असर उस वक्त के हालात पे बहुत ज्यादा मुनहसर करता है। जैसे दौरे हाजिर की शायरी में हम जब कोई बात करते हैं, जैसे इन दिनों मेरा एक शेर बहुत चर्चा में रहा है आज के सियासत के दौर में कि ऐलाने सुबह आपने कर ही दिया है जब, उठिए कहीं से ढूंढ के सूरज भी लाइए। ये समाज के वो चीजें होती जैसे नया ईसा हुआ पैदा न अब तक नहीं, लेकिन सलीबें बन गई हैं। तो शायर का जहन जो है वो समाज में उस हर ख्याल जो है उसके जहन में नक्शो होता रहता है और उसके पस मंजर में जाकर के हाँ अदब के दायरे में हो, जैसा पटेल साहब ने कहा। यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अग्री करता हूँ आपकी बात से, और बल्कि जो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक शेर सुनाया कि जी खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है, एक तंज है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें यहाँ शायर अपने तौर पे कुफ्र नहीं कह रहा है या शिर्क नहीं कह रहा है, बल्कि समाज पे तंज कर रहा है कि देखो तुम लोगों ने मस्जिदों को भी ऐसा खाना खराब की तरह कर दिया। लेकिन समाज को ये कौन समझे? कितना भी तंज हो उसमें कुछ अल्फाज की कुछ लिमिट्स होती है। जैसे आपने कहा ना कि सूरज चांद का एक दायरा है, वो दायरे से बाहर हम नहीं जा सकते। दायरे से बाहर जी खुश हुआ ये अल्फाज बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया देखिए, क्योंकि मजाक के अंदर भी कुछ बातें जुबान से नहीं आ सकती हाँ। तंज में भी ये उसलोग बहुत टेक्निकल बात रिलीजियसली बता रहे हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ये है शायरी। जहाँ तक मैं समझता हूँ बात से मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ शायरी एक ऐसी चीज है जो दिलों को गुदगुदाती है, जो कभी कभी हमें हमारी रहनुमाई करती है और कभी कभी हमें हंसाती है, मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है और कभी कभी हमारी आंख में आंसू ले आती है। लेकिन शायरी जब किसी एक सेक्ट या किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को हर्ट करने लगे और उनको परेशान करने लगे तो फिर कहीं ना कहीं शायरी का मकसद भी है हाँ। और साथ साथ में ये भी है कि एक शख्स जो ईमान लाता है वो ईमान के बाद में उसके कुछ तकाजे होते हैं, और एक इंसान कोई भी इंसान हो उसके लिए जरूरी है कि वो सही क्या गलत क्या है वो समझे। दरअसल आपके और आपके रिएक्शन से मुझे ऐसा लगा कि आप ये समझ बैठे हैं कि मैं कहता हूँ कि शायरी सरासर गलत है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिसाल के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूंगा। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। अब हम देखते हैं कि कई बार शायरी कोई एक अच्छी सही बात को सोचने पर लोगों को उभारती है, कई बार हम देखते हैं कि अमल की तरफ आगे बढ़ाती है। बड़ी अजीब है नादा दिल की ख्वाहिश या रब, अमल कुछ नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का। अब जैसे उभार रहा है ये अमल की तरफ, मिट जाए गुनाह का तसव्वुर ही जहन से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत सारी अच्छी शायरी होती है जो माहिरीन फन, जो आपने कहा कि शायरी एक आर्ट है, और वो आर्ट के तौर पर एक अच्छा मैसेज जो किसी के बिलीफ को सुधारने या उसके अमल को सुधारने या उसके अंदर एक एहसास पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब शायरी बेलगाम हो जाती है या शायरी के पास एक वो पर्सपेक्टिव ना हो जिसे हम ईमान कहते हैं, जिसके तहत एक इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने और पहचान कर उसके दायरे में, उसके हुक्मों के दायरे में रहने के लिए तैयार हो जाए और वो दायरे में रहकर वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। तो अगर वो दायरा नहीं मौजूद है तो बहुत सारे इसके खतरनाक चीज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जो ऑब्सिनिटी हमारे माशरे में फैली, और हालांकि आपने डिफर किया लेकिन मैं फिर अपनी बात को इस चीज में रिट्रेट करता हूँ कि हम देखते हैं कि बहुत सारी शायरी जमाने से जो चलती आई है, जो लोगों की हिम्मतों को खोलने में एक जरिया है, ऑफ कोर्स फिल्में भी एक जरिया है, माशरे के न फैली हुई कई चीजें हैं, लेकिन शायरी में क्या बात होती है, जैसे फिल्मों में बात होती है कि फिल्म में आदमी कोई चीज बता दिया जाए और आदमी ये देखता है ये तो हकीकत नहीं है, ये फिल्म है। उसी तरह शायरी के अंदर कोई चीज है, ये तो शायरी है। अब एक इंसान एक बात को शायरी के तौर पर सुनता है, फिर एक वक्त आता है कि वो उस चीज पर खुद अमल भी करता है। वो चीज जो होती है, वो चीज के लिए माइंड उसका ओपन अप कैसे हुआ, वो ओपन अप होने में शायरी एक जरिया बन जाती। तो इसके खतरे को पहचानना भी बहुत जरूरी है, दोनों के लिए, शायर के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, कि कई बार जैसा ऐसा होता है कि एक हीरो पर्सनैलिटी, एक इस तरह का एक रेफरेंस जहन में आ जाता है कि जहाँ गलती भी गलती नहीं दिखती है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें ये बात को समझना है कि कोई इंसान कोई बात कह रहा है जिसके अंदर, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, वो बात गलत हो, वो इम्कान बाकी रहता है, क्योंकि इंसान कुल्लु बनी आदम खता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारी आदम की औलादों से खताएं होती है, खता करने वालों में सबसे अच्छे वो होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मिसाल और नमूना हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और कहा कि इन्हें कॉपी करो। बाकी यहाँ क्या होता है कि अक्सर जो शायरी का फैसिनेशन रखते हैं वो उन शायरों को एक ऐसा मकाम दे देते हैं जहां उनकी गलत बात का भी कोई सही होने का बहाना ढूंढने लगते हैं। मेरा ऐसा ये कहना है, एक ऑब्जेक्टिविटी का डिमांड ये है कि हम अच्छी बातों को सराहेंगे, मानेंगे, लेकिन जहां कोई कमी आएगी वहां उसी काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ हम उस बात को छोड़ भी देंगे। यही एक सही स्पिरिट है जो सारे अच्छे शायरों ने भी उम्मीद करता हूं सिखाया है। यहाँ मैं दखल दूं बाद में, मेरी बात से सागर भाई भी एग्री करेंगे और हामिद भाई भी एग्री करेंगे। जब कोई शायर शोहरत की इंतहा को पहुंचता है और उसको अदब में मकाम हासिल हो जाता है तो तमाम यूनिवर्सिटीज में और उनके जो अदबी शोबे हैं उनमें उस पर काम होता है। और नक्काश जब कलम उठाता है तो बैक जुम्बिश वो उस गलत बात को काट डालता है, चाहे वो गालिब हो, चाहे वो इकबाल हो या कोई भी हो, बैक जुम्बिश काट दिया जाता है। और गुजरते जमानों के साथ नए नए स्कॉलर्स रिसर्च की डिग्री लेके निकलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इकबालियात और गालिबियात पे, और वो नए नए पहलू सामने रखते हैं। उनकी जो नकारने वाली चीजें हैं उनको नकारते हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें आगे लेके जाते हैं। अदब में ऐसा होता है। लेकिन हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये तो अदब की बातें हैं, किताबों में बंद है या यूनिवर्सिटी तक महदूद है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक महदूद है। हमारा आम आदमी जो शायरी को मुशायरों के हवाले से जानता है या रिसालों के हवालों से जानता है या आज के दौर में सोशल मीडिया के हवाले से जानता है, वो शायरी का कितना असर लेता है और उस असर के उसकी जिंदगी की बुनियादों में किस हद तक सेंध लगाते हैं वो असरात। क्या बात है, ये हमारा असली टॉपिक है। देखिए, एक बहुत बड़ा टॉपिक ये भी है जो आपकी बातों से एक निकला, वो ये है कि शायरी में इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एग्जैजरेशन या गुलू करना उसका एक इंटरनल हिस्सा कई बार बन जाता है, उसके फन का एक हिस्सा कहीं बन जाता है। और यहाँ पर एक हदीस जहन में आती है, सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तुतरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरी तारीफ बढ़ चढ़ के मत करना जैसा ईसा इब्न मरियम की तारीफ नसारा ने की, क्रिश्चियंस ने की। फइनी रसूलुल्लाह, क्योंकि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, तो कहो अब्दुल्लाही व रसूलुल्लाही, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग फैक्टर वहां पर लाना चाहिए। जहां तक आज माशरे के ऊपर असर देखें तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिल्कुल टाइम पास का जरिया बन गया है। यहाँ पर एक बात यहाँ ये आती है कि बहुत सारे जो सोशल नेटवर्क्स पे बैठकर जो भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते रहते हैं, आज ऑफ कोर्स आपके मेयार के मुताबिक तो वो बहुत ही गिरी शायरी नहीं है, शायरी नहीं होगी, लेकिन ग्रामर में फिट नहीं बैठती हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उन्हें अपनी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं मालूम है, और जब मकसद नहीं मालूम होता है तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए ताकि आदमी बस अपने आप को किसी चीज में मशगूल करके रख दें, थोड़ा बिजी करके रख दें, ताकि वक्त निकल जाए, जिंदगी निकल जाए। एक दिन मौत का सामना करना है, लेकिन काश कि उस इंसान को ये पता चलता कि भाई मेरी जिंदगी में जब बनाने वाले ने मुझे बनाया तो उसमें एक मकसद है और वो मकसद के तहत मुझे जीना है। वो मकसद के तहत जो शायरी मुझे उसके करीब ले जाए वो शायरी एक अच्छी शायरी होगी, और जो शायरी मुझे उस मालिक से ही दूर ले जाए या जिंदगी के मकसद से दूर ले जाए, उस चीज में मुझे अपने वक्त को जाया नहीं करना है। क्योंकि कयामत के दिन के 5 सवाल है, उसमें से एक है अन उम्री ही फीमा अफना, जिंदगी कहाँ गुजारे हो भाई। तो उसमें एक इंसान वहां हो सकता है कहेगा कि मैं शायरी के फला चीज में मैंने गुजार दी, जो गलत शायरी है, अच्छी शायरी की बात नहीं कर रहे हम। या जैसे हम ये देखते हैं कि अन शबाबी फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। तो ये एक बहुत अहम सवाल है जो आज बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं सोशल नेटवर्क्स पर अपना टाइम वेस्ट करता आया, और जो हम एक अच्छे कंसर्न तौर पर जब बैठे हैं और एक कंसर्न इंडिविजुअल सोसाइटी के है, जो एक शख्स शायर है उसको एक वो एबिलिटी टू थिंक है दी जाती जो ऊपर वाले की तरफ से। तो हम ये देखते हैं कि जब ये एबिलिटी आपको या दूसरे हमारे जो शायर, आई होप के इस डिस्कशन जो इंटरेस्टिंग डिस्कशन बनता जा रहा है फील, तो शुरा हज़रात को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो एबिलिटी ऊपर वाले ने आपको दिया है, अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है, वो एबिलिटी का इस्तेमाल करना ताकि इंसानों को अपने सोए हुए अंधेरों से निकालें, जो बेदार करें, सोचने पर थोड़ा बहुत मजबूर करें, कहीं पे उस चीज को एक इग्नाइट करने की कोशिश करें जहां एक इंसान जो एक बेमकसद जिंदगी गुजार रहा है वो अपनी जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से सोचने वाला बने। और ये कंसर्न इंसानों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ अपने उस फन का एक बहाव के साथ बहकर खुद भी बेमकसद जिंदगी गुजार कर लोगों को भी बेमकसद जिंदगी की तरकीब देते हुए जिंदगी गुजर जाए। ये बहुत ही अफसोस की बात होगी, वो एबिलिटी का एक बहुत बड़ा यानी हक अदा नहीं किया ऐसा होगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको जैद खालिद पटेल साहब बता रहे हैं, और हम अपने लास्ट सेगमेंट में हैं और वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक के हवाले से वापस मैं सवाल पूछता हूँ कि शायरी अपने वक्त के समाज का आईना है या शायरी अपने वक्त के समाज का इमाम है जो उसे किसी तरफ लेके जाता है? दोनों है। शायरी तब तक इमामत के सफ में अपने आप को नहीं खड़ी करती जब तक कि समाज का काम चलता रहे। आपने बहुत अच्छा एक शेर कहा, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुना, दुष्यंत कुमार जी का, उन्हीं का एक शेर है कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, वो भूखा जिस्म जिसका बच्चा बीमार है, उसकी औरत बीमार है, इस वक्त उसकी जरूरत ये थी कि कहीं से उसको दो रोटी मिल जाती, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। शायरी मैं जैद पटेल साहब की उस फिक्र से, उस कसक से, उस टीस से वाकिफ हूँ, लेकिन हम इन्हें मुतमईन करना चाहते हैं कि हम खालिस शायरी की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप की शायरी, मुशायरों को दिल शिकनी करने वाली शायरी, किसी खास मजाहिब के ऊपर तनकीद करके, अगर इस वक्त मैं किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क के जिनसे ताल्लुकात मेरे बहुत अच्छे ना हों कोई ऐसी बात कहूं जिससे उनकी दिल शिकनी हो तो यहाँ 10 लोग मुझे सताइश करें, ये शायरी नहीं है। कि समाज पे जो भी बीतती है शायर पे उससे ज्यादा बुरी बीतती है। मनोहर राणा साहब का शेर है, थोड़ी सी तसन्नो होगी उसमें कि हमने लफ्जों के बरतने में खून थूक दिया, आप तो सिर्फ ये देखेंगे गजल कैसी है। अगर उस कर्ब से कोई वाकिफ हो कि एक शेर को बनाने में, आप यकीन करें मैं एक शेर तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सारी रात रोया हूँ तब जाके मेरा एक शेर ये हुआ था कि छीन लेगा बागबां खुशबू यकीनन एक दिन, छीन लेगा बागबां खुशबू यकीनन एक दिन, रात भर इस खौफ से कमसिन कली सोती नहीं। क्या बात है, रात भर इस खौफ से कमसिन कली। शायर ने अपनी बात कह दी, अगर आप तक बात पहुंचे कमसिन कली सोती नहीं। मैं कतई कलाम की माफी चाहूंगा आ रहा हूँ और इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि अच्छाई और बुराई अगर पैमाना है, अच्छाई अगर नसर में की जाए तो और नज्म में की जाए तो अच्छी बात है, बुराई अगर नसर में की जाए तो नज्म में की जाए तो बुरी बात है, इसमें फर्क क्या रहा? फिर हम शायरी को अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर कैसे बांट के समाज पर उसके असरात दिखा सकते हैं? दो बातें असल में यहाँ पर उभरती है, सागर भाई की बात से, आपके सवाल से, दोनों चीजों से जो है ना दो बातें उभरती हैं। अब इन तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि कुछ शायरी तो ऐसी होती है कि जो हमारे भाई जो ये शूट कर रहे हैं इन्होंने सुनी और वाह वाह कह दिया और इनके दिल में लगी और पसंद आ गई इनको। कोई चीज ऐसी होती है, इन्होंने अभी मैंने शेर अगर पढ़ा और इन्होंने कहा यार क्या बाउंसर लगाकर चलेगा हामिद इकबाल, इनकी बात तो समझ में ही नहीं आई। शायर जो है वो भी सोचता है जो आम आदमी नहीं सोचता, आदमी की रसाई से बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं आपकी बात से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ, लेकिन वापस हम आते हैं हामिद भाई हमारे टॉपिक पे, और टॉपिक का ताल्लुक बहुत ज्यादा आम लोगों से है जिनके बारे में आपने कहा कि वो क्या हामिद कह के चला गया। सवाल यह है कि ये जो आम इंसान हैं, आम जिंदगी में रहने वाले 80% लोग हैं जो ना उस जबान को समझते हैं जो गालिब की जबान है, जो ना उस मफहूम को समझते हैं, उस ताकीद को समझते हैं जो इकबाल की ताकीद है या गालिब की ताकीद है। इन लोगों तक जो आम जबान की शायरी पहुंचती है, जो दाग की शायरी है या जो दूसरे आपके अपने घराने की शायरी है, सीमाब साहब के घराने की शायरी है, वो शायरी जो इन तक पहुंचती है उस शायरी का इनकी जिंदगियों पर जो असर होता है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? दोनों ही सूरतें हैं। देखिए कैसा है कि क्योंकि हम मैं बात कर रहा हूँ आपकी आखिरी सेगमेंट में है, तो मैं चाहता हूं कि आप डिफाइन करें। दोनों ही चीजें हैं, इसमें पैगाम भी दीजिए। आप अगर अच्छे पहलुओं पर बात कर रहे हैं, अच्छे पहलुओं पर शेर कह रहे हैं जो आम शख्स की फहमो इदराक में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे एक शेर मैंने कहा कि वो चाट लेता है, चाट जाता है मुहावरा है, वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल, वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। सागर भाई, वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल, तुम्हें पता नहीं माजी जो हाल करता है। ये एक तलकीन है, एक आम आदमी भी इसको समझ रहा है, ये एक तलकीन है और ये अच्छाई की जानिब ले जा रही है। अच्छा, कोई एक मैसेज जो आप शायरों को देना चाहें, शोरा हज़रात को और सामाईन को? वक्त का तकाजा ये है कि शायरी जो इतना मौसर तरीन मीडियम है, जो लफ्जों से निकल कर दिलों में उतरता है, उस मीडियम को आम किया जाए, उस मीडियम की अहमियत को समझा जाए और आज फिर वो दौर आ जाए कि एक शायर के शेर पर इतना इम्पैक्ट शायरी का बनने लगे और समाज को एक अच्छे, एक सौले, एक बेहतर मोड़ पर शायर जो है वो ले जा सकते हैं और ले जाएं। मेरा ये पैगाम शौरा के लिए है। क्या बात है सागर त्रिपाठी साहब, आपका पैगाम आवाम के लिए शायरी के हवाले से और खवास यानी शौरा इकराम के लिए शायरी के हवाले से क्या है? सच कहें तो मशकूर व ममनून हैं हम आपके, क्योंकि ये एक मेरी गज़ल है, बहुत मकबूल हुई है और इसमें जैद पटेल साहब के लिए भी बहुत सारा रास्ता, बड़े इम्कानात आपको मिलेंगे और हमारे शोरा हजरात के लिए, अदब के लिए भी, मजहब के लिए, कि कहाँ दबकर झिझक कर बोलता है, कहाँ दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह? दो शेर इस नायाब कौम के हवाले से। सदाकत जब कभी आती है रौ में, आपका जिक्र हो रहा है कि सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेजे पे चढ़कर बोलता है। हमने ताकीद भी दी है समाज को, जमात को, कि घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। क्या कहना? और अगर सचमुच एक सुखनवर को समझना चाहते हैं तो ये तोहफा लेके जाइए, अपने बच्चों को दीजिएगा कि नई तहरीक मिलती है खिरत को, नई तहरीक मिलती है खिरत को सराहिए। हम यूं दीवाना होके नहीं घूम रहे हैं, हमने भी दुनिया देखी है। नई तहरीक मिलती है खिरत को जुनू में जब सुखनवर बोलता है। क्या बात है, जुनू में नई तहरीक मिलती है खिरत को। और हमारी तकलीफ भी समझिए कि शिकन जो आपका कर्ब है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कि शिकन उभरे समाअत की जबी पर, शिकन उभरे समाज की जबीन पर, कि शिकन हमें भी दिलशिकनी होती है। शिकन उभरे समाज की जबीन पर वो जब तेवर बदल कर बोलता है। क्या क्या ये शायरी है नवाज़िश आपके। जैद खालिद पटेल साहब, आपका मैसेज शोरा इकराम के लिए भी और सामीईन के लिए? जी, मेरा ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए, शोरा के लिए, अवाम के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फन को जब एडमायर करते हैं, और कई सारे फनून होते हैं जो हमारी इस दुनिया में पाए जाते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, तो कई बार उसका एडमिरेशन हमारे दिलो जान में इस कदर हो जाता है, हमारे तसव्वुर में, हमारे ख्यालात में, कि हम उसे उस कदर इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए। तो मैं सारे हमारे शुअरा इकराम को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके उस फन की कदर करते हुए, और एक बिल्कुल समझ लीजिए इस चीज के अंदर एक बहुत ही ऑडियंस लेवल का पर्सन होने के नाते, लेकिन आप तक एक विजन देना चाहता हूं, एक शेयर करना चाहता हूं। वो विजन मेरा ये है कि ये फन, इसका सही इस्तेमाल हो सकता है, और हम ये देखते हैं कि माजी में हुआ है, हिस्ट्री इस बात की गवाही देती है कि कई सारे शुअरा ने अपनी बातों को अच्छे तौर पर कही, जिससे लोगों ने जिंदगी में अपने मकसद को पाया, एक अच्छे डायरेक्शन को पाया। मेरा ये कहना है कि हमें इस चीज के अंदर उस इवैल्यूएशन को नहीं भूलना है। आम समाज और आम माशरे में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोगों में जिस तरह की शायरी, जिस तरह के लेवल की बातें पाई जाती है, वो चीज़ के अंदर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस ज़िंदगी को एक अमानत समझें। ये सारी एबिलिटीज़ एक अमानत है अल्लाह की तरफ से, जिस अल्लाह ताला ने उस एबिलिटी को दी, उसके एहसानों को नहीं भूलना है। उसके एहसानों को याद रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि उस एबिलिटी को ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि वो शायरी एक एमलेस तौर पर मजलिसों और किताबों की सिर्फ खूबसूरती बनने की जगह लोगों और समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी बेदारी पैदा करने में जरिया बने। हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानें, हम अपने रब से अपने ताल्लुक को जोड़ें और उस चीज की रोशनी में पहचान कर सही को बढ़ाएं, माशरे में गलत चीज को रोकने का जरिया बने। खुद की जिंदगी को भी हम इस चीज के तौर पर रखें कि एक इंसान जिंदगी के अंदर जो वक्त लिमिटेड है उस लिमिटेड वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करे ताकि आखिरत में जब वो अल्लाह के सामने खड़ा रहे तो उस चीज के ताल्लुक से शर्मिंदा नहीं बल्कि उस चीज के ताल्लुक से अल्लाह के सामने एक जवाब दे सके कि उसने अपने इस वक्त का, उस सलाहियत का, उस मौके का क्या इस्तेमाल किया जो वक्त अल्लाह ताला ने उसे अमानत के तौर पर दिया था। क्या इस एग्जाम के अंदर वो पास हुआ है या फेल हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस बात को एक सही पॉजिटिव मैनर में समझने की तौफीक दे। आमीन। नाजरीन, हमेशा की तरह घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से इख्तिताम की तरफ हमें लेके चल पड़ी हैं, लेकिन इख्तिताम की तरफ जाते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आज का ये मौजू इसी तरह था जैसे दरिया को कूजे में बंद करने की एक कोशिश। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वसी टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। बहरहाल एपिसोड तो एपिसोड होता है और उसे खत्म होना होता है। मेहमानों से डिस्कशन करके इस मौजू पे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि शायरी अच्छी भी है और बुरी भी है। शायरी एक ख्याल का नाम है, ख्याल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। और इंसान अच्छे ख्यालात की तरफ जाए तो उसकी जिंदगी और उसके इर्द गिर्द उसके माहौल की जिंदगी, उसके माहौल की फिजा अच्छी बन जाती है। जैद खालिद पटेल साहब ने अभी बहुत खूबसूरत बात कही कि शायरी एक फ़न है और वो फ़न अल्लाह की दी हुई सलाहियत है। उस सलाहियत का सही इस्तेमाल ही उस सलाहियत के देने वाले के तई शुक्र अदा करना है। आइए हम सब मिलके हम तमाम शायर हजरात ये तहिया करें, ये तय करें कि हम अपने समाज में अपनी सलाहियतों की इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अपने दौर के समाज को एक ऐसा रुख दे सकें जो सच्चाई के रास्ते पे लेके जाता हो, जो ईमान के रास्ते पे लेके जाता हो, जो खुदा के रास्ते पे लेके जाता हो। अच्छाई और बुराई की जंग हमेशा से रही है। प्रोग्राम को खत्म करता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि मिजाज शीशा गरी दिया है, मिजाज शीशा गरी दिया है तो पत्थरों को गुदाज कर दे। क्या बात है। मिजाज शीशा गरी दिया है तो पत्थरों को गुदाज कर दे। ये दस्ते रहमत मेरे लिए है तो इसको यार अब दराज कर दे। मैं अपने चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि मिजाज शीशा गरी दिया है तो पत्थरों को गुदाज कर दे। ये दस्ते रहमत मेरे लिए है तो इसको यार अब दराज कर दे। वो जिसके सजदे चराग बनकर हरम की चौखट पे झिलमिलाएं, वो जिसके सजदे चराग बनकर हरम की चौखट पे झिलमिलाएं, मेरी जबीने सियाह रू को आता एक ऐसी नमाज कर। जज़ाकल्लाह, क्या बात है। नाजरीन, आपकी तरफ से मेहमानों का शुक्रिया और मेहमानों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।